औचित्य बहुत बनता है कि इसको होना चाहिए और होने से ही इसकी तरक्की होगी। हमारे पास कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है क्योंकि मैं किसी भी राजनीतिक दल का पक्षधर नहीं हूँ। मैं अपने शाश्वत राजनीति जो है लेखन की, मैं उसका पक्षधर हूँ, इसलिए कहता हूँ कि विंध्य प्रदेश आज नहीं तो कल बनेगा निश्चित। और इसके साथ साथ जब विंध्य प्रदेश की बात हम कर ही रहे हैं तो इसके पृष्ठभूमि पर जाते हैं, जब विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश से जोड़ा गया 1956, हाँ, विलीन किया गया हो, उस दौरान यहाँ की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो संपूर्ण प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में भी अधिक थी। कृषि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कृषि संपन्नता भी पूरे प्रदेश से अधिक थी। जी जी, अगर यहाँ पर खनिज संपदाओं की बात करें, चाहे सिगरौली की खानों की बात करें, चाहे यहाँ के पर्वतों की बात करें, नदियों की बात करें, हाँ, चाहे हीरा खान की बात करें, हाँ, भी काफी समृद्धशाली था। फिर बहुत सारा राजस्व मध्य प्रदेश को विंध्य क्षेत्र के तमाम जो है ना इस भूखंड से मिल रहा है। जी, तो क्या यही कारण रहा होगा कि विंध्य को फिर मध्य प्रदेश में जोड़ने के पीछे का? विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में जोड़ने का सीधा सीधा कारण तो ये ना रहा होगा जी, लेकिन परोक्ष में यही एक कारण है जो समझ में आता है कि उसको समृद्ध करने के लिए मध्य प्रदेश को और विंध्य प्रदेश को जोड़ लिया गया। और अगर न जुड़ा होता तो मेरी अपनी कल्पना है कि ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा होता ये विंध्य प्रदेश। जोड़ने के बाद जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो वर्तमान में हो नहीं पाई। जिस परिकल्पना से विलीनीकरण हुआ विंध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में, तो वो परिकल्पनाओं के एजेंडे जो थे, जो भी विषय सूची रही होगी, उसके जितने भी विषय थे वो बड़ी तेज़ी से जो है ना विकास की गति नहीं पकड़ पाए। अब अंत में जाते जाते आपसे एक हिंदी का एक गीत सुना देता हूँ। सुन ले, एक ललकार हुंकार का गीत है जी, जैसा कि मुट्ठी में अंगार है आपने चर्चा की, तो उसके स्वभाव से ही मिलता जुलता एक गीत सुना देता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आह्वान करना पड़ता है, हर नेता हर राजनीतिक दल ये कहते हैं कि युवाओं जागो, युवा जब जागेगा तभी पता नहीं कौन सा सपना पूरा होगा, लेकिन कहता सब है, लेकिन जब बागडोर युवाओं को, हाँ, जब बागडोर युवाओं को देने की बात आती है तो 50 बार आदमी सोचता है, और यही वजह है कि युवा सिर्फ जो है ना बेरोजगार भटक रहा है। अगर उसको राजनीति के भी आम धारा में जोड़ लिया जाता तो वो अपने लिए कुछ करता और बेरोजगारी शायद, हाँ, शायद बेरोजगारी इतनी नहीं होती। लेकिन अभी ये राजनीतिक मजबूरियाँ हैं, इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, गीत सुनाता हूँ। ए सोई तरुणाई तुझे जगाने आया हूँ, ए सोई तरुणाई तुझे जगाने आया हूँ, व्यथा हिंद की मैं गीतों में गाने आया हूँ, व्यथा हिंद की मैं गीतों में गाने आया हूँ। कोई एक परिवेश नहीं, सारे राष्ट्र को सामने रख के, व्यथा हिंद की मैं गीतों में गाने आया हूँ, करूँ कहाँ से शुरू, चलो दिल्ली चलते हैं, जहाँ नियम कानून किताबों में ढलते हैं, जहाँ हमारा संविधान सांसें लेता है, जहाँ दिए आशाओं के बुझते जलते हैं, उस धरती पर फसलें नई उगाने आया हूँ, व्यथा हिंद की मैं गीतों में गाने आया हूँ। बापू का वो सत्य अहिंसा का संदेश कहाँ है, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश कहाँ है, नैतिकता की चिता जलाने वालों बोलो, मातृभूमि पर मर मिटने वाला परिवेश कहाँ है, प्रश्नों की इन परतों को सुलगाने आया हूँ, व्यथा हिंद की मैं गीतों में गाने आया हूँ, मठाधीश बन बैठ गए हैं वोटों के व्यापारी,
मठाधीश बन बैठ गए हैं वोटों के व्यापारी, प्रजातंत्र का ढोल पीटती है जनता बेचारी, रोजगार के लिए तरसता है गरीब का बेटा, मंत्री का कुत्ता भी सुविधा भोग रहा सरकारी। इस अंधेर शिविर में आग लगाने आया हूँ, व्यथा हिंद की मैं गीतों में गाने आया हूँ। भाषण में वो उड़ा दी, भाषण में वो उड़ा रहे हैं आदर्शों की आंधी, और थकी कानून व्यवस्था है थानों में बांधी। पूंजी के पाए सत्ता के सिंहासन में, राजनीति के कांधे की बैसाखी है अपराधी। कतरा कतरा सारी कथा सुनाने आया हूँ, व्यथा हिंद की मैं गीतों में गाने आया हूँ। ऐसोई तरुणाई तुझे जगाने आया हूँ, व्यथा हिंद की मैं गीतों में गाने आया हूँ। जो आपके मन का आक्रोश है, जो आपके मन की चिंता है, उसे अपने गीत के माध्यम से युवाओं को संबोधित करते हुए, हाँ, उनका आह्वान करते हुए अपनी बात में धीरे से कह ले गया जी। तो आपने हमारे साथ अपने जीवन के अनुभवों, बचपन के अनुभवों को साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपके आगामी कहीं शिवाला काव्य संग्रह के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल में हमें एक अवसर दिया कि हम अपनी बात कह सकें जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल को शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ शिवशंकर त्रिपाठी शिवाला जी, जिन्होंने अपने से जुड़े हुए अनुभव, अपनी काव्य यात्रा और अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को परिवर्तित होने की, समाज में परिवर्तन की दिशा तय करने की बात कही। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।